नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आईने के बारे में, जिसे लोग आमतौर पर दर्पण, शीशा या मिरर के नाम से भी जानते हैं। आईना हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने वाली एक वस्तु है, जिसमें हम खुद को देखते जा निहारते हैं। इसका प्रयोग सभी घरों में सजने संवरने के लिए किया जाता है। यह हमें हमारे व्यक्तित्व की झलक दिखलाता है। आईने के बिना अच्छे से सजने संवरने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए आईना हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में भी आईने की बहुत अहमियत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आईना घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। इसके अंदर धन, वैभव और खुशहाली को आकर्षित करने की ताकत होती है। यह आपके घर में धन, संपन्नता और खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है और यह वास्तु दोषों को भी दूर करता है। लेकिन दोस्तों, यदि आईना सही दिशा और सही स्थिति में ना हो तो यह आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके गलत दिशा में होने से घर के स्वामी और सदस्यों को अनेक प्रकार की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आईने को किस दिशा में लगाना शुभ होता है और किस दिशा में अशुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या दफ्तर में आईना लगाने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व या ईशान कोण होती है। यह दिशा आईना लगाने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह दिशा बहुत पवित्र होती है। इस दिशा में लगा आईना धन की देवी को अपनी ओर आकर्षित करता है और धन को बढ़ाता है, इसलिए इस दिशा में लगा आईना बहुत शुभ फलदायक होता है। इस दिशा में आईना लगाने से घर के स्वामी की आमदन में वृद्धि होती है और उसकी कमाई के रास्ते में आने वाली सभी समस्याएं भी खत्म होती हैं। इसके अलावा इस दिशा में आईना लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, जिससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, घर या दफ्तर के उत्तर पूर्व या ईशान कोण में आईना लगाना बहुत शुभ फलदायक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर या भवन में दर्पण को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की दीवारों पर ही लगाना चाहिए। इन दिशाओं में लगे दर्पण बहुत शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता कुबेर हैं और पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य देव हैं। यह दिशाएं हर व्यक्ति को धन, ज्ञान और उन्नति प्रदान करती हैं, इसलिए यह दिशाएं बहुत पवित्र मानी जाती हैं। इसके साथ ही ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलती है, इसलिए इन दिशाओं में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इन दिशाओं में आईना लगाने से घर के स्वामी और सदस्यों को कई प्रकार के लाभ होते हैं। घर का वातावरण हमेशा शांत और खुशनुमा रहता है। घर के स्वामी और सदस्यों की बहुत उन्नति होती है। इसके साथ ही घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक रहता है। इसके अलावा घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगे आईने दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली बुरी शक्तियों को भी वापस लौटा देते हैं, इसलिए इन दिशाओं में लगे आईने बहुत शुभ माने जाते हैं। इसलिए आईने को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की दीवारों पर लगाना बहुत उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आईने को कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी जमराज और पश्चिम दिशा के स्वामी शनिदेव हैं। यह दोनों राक्षसी प्रवृत्ति के होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन दिशाओं में लगे आईने हमेशा नुकसान ही देते हैं। इसके अलावा दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवारों पर लगे आईने उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित करके वापस मोड़ देते हैं। इसका मतलब यह है कि उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली शुद्ध ऊर्जा दक्षिण और पश्चिम दिशा में लगे आईने से टकराकर वापस मुड़ जाती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण घर के सदस्यों को अशांति का सामना करना पड़ता है और घर में मानसिक तनाव भी बना रहता है। घर में धन और स्वास्थ्य की हानि होती है। इसके साथ ही घर के स्वामी और सदस्यों को अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए घर में आईने को कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवारों पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण में भी आईने को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व से संबंधित होती है, इसलिए इस दिशा में आईना लगाना ठीक नहीं होता, क्योंकि वास्तुशास्त्र और विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आईना जिस कोण या जिस दिशा में लगा होता है उस कोण की ऊर्जा को परिवर्तित करके और भी कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए इस दिशा में आईना लगाने से अग्नि तत्व की ऊर्जा परावर्तित होकर और भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इस दिशा में लगा आईना बहुत अशुभ फलदायक होता है। इस दिशा में आईना लगाने से अग्नि का पय या अग्नि से दुर्घटनाएं होने की संभावना हमेशा बनी रहती हैं। इसके साथ ही घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए किसी भी घर या भवन में आईने को दक्षिण पूर्व या अग्नि कोण में कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में भी आईने को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में लगा आईना भी बहुत कष्टकारी होता है। इस दिशा के स्वामी राहु ग्रह हैं जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इस दिशा में लगे आईने बहुत अशुभ माने जाते हैं। घर की इस दिशा में आईना लगाने से नकारात्मक ऊर्जा में बहुत वृद्धि होती है, जो घर के वातावरण को खराब करती है, जिसके कारण घर में हमेशा क्लेश रहता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी भी कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा घर के स्वामी और सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर के दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में आईने को कभी नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में भी आईने को कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा वायु तत्व से संबंधित होती है और वायु का स्वभाव हमेशा चलायमान होता है। इसलिए इस दिशा में आईना लगाने से वायु तत्व की ऊर्जा और भी बढ़ जाती है, जिससे घर के स्वामी और सदस्यों की मनोस्थिति हमेशा स्थिर बनी रहती है और उनमें दिव्य स्वप्न बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा घर के सदस्यों में चंचलता बढ़ती है और उनका मन घर में भी नहीं लगता, वे व्यर्थ ही इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका मन हमेशा बेचैन रहता है। इसलिए घर जैवावन के उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण में भी आईने को कभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।